Hello dear friends, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में. इंडियन हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे आज एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस. तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जान लेंगे, हमें क्या पढ़ना है. हमारा जो लेक्चर है ये आपके JKSSB कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो है लेक्चर नंबर 27 है. फॉर JKSSB कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो आपका टॉपिक दिया गया है सिलेबस में वो है इंडियन हिस्ट्री. तो इस वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री को जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं. इंडियन हिस्ट्री में हमने इसके अलावा जो है हमने मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश की क्लासेस भी जो है वो स्टार्ट की हुई है. आप उन क्लासेस को भी जो है वो देख सकते हैं. ये क्लास नंबर 27 है और इससे पहले जो हमने जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री पे भी वीडियोस अपलोड की है जिन्हें हमने लेक्चर में जो है काउंट नहीं किया. वो भी 5 लेक्चर है जो कि आपके सिलेबस में मेंशन किए गए हैं. तो स्टार्ट करते हैं हम एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस. हम जानते हैं जो हम इंडिया है वो कॉलोनी रह चुका है ब्रिटिश की. तो यूरोपियंस जो यहाँ पर आए बहुत से आए हैं जिनमें पोर्टुगीज है, डच है, इंग्लिश है, डेनिश है, फ्रेंच है. ये सारे यूरोपियंस जो है इंडिया में आते हैं. किस तरीके से आते हैं, कब आते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है जो एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी, उन सारों को जो है यहाँ पर जो है पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले जो यूरोपियंस इंडिया में आते हैं वो है पोर्टुगीज. तो पोर्टुगीज इंडिया में कब आते हैं, 1498 में आते हैं. और फिर हमारे पास ये करेक्ट ऑर्डर जो है ये हमें याद रखना होगा. पोर्टुगीज के बाद डच आते हैं, डच के बाद जो है इंग्लिश आते हैं, फिर डेनिश आते हैं और फिर फ्रेंच आते हैं. तो यहीं पर बात एक और याद रखेंगे कि जो ये ऑर्डर है, क्रोनोलॉजी जो इस ऑर्डर में हमने बताई है, पहले पोर्टुगीज जो है वो अपनी फैक्ट्री जो है वो सेटअप करते हैं, दूसरे नंबर पर डच करते हैं. बट डच से पहले जो है इंग्लिश जो थे वो ब्रिटिश जो थे वो इंडिया आ चुके थे लेकिन उनकी फैक्ट्री जो है वो यहाँ पर एस्टेब्लिश नहीं हुई. तो एस्टेब्लिश जो पहले फैक्ट्री की थी वो डच ने की थी और फिर डेनिश थे और लास्ट पे जो थे वो फ्रेंच थे. अब इनके बारे में हमने एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस जो है इंडियन हिस्ट्री में इसे हमें डिटेल में पढ़ना है. हम जानेंगे पोर्टुगीज के बारे में पहले कि पोर्टुगीज ने जो है वो कैसे एस्टेब्लिश की थी अपनी फैक्ट्री, कब आए थे, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट थी, उन सारों के बारे में हम इसमें जानेंगे. तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर. तो पहला आता है हमारे पास जो हमें पहला टॉपिक पढ़ना है वो होगा हमारा अराइवल ऑफ द पोर्टुगीज इन इंडिया. पोर्टुगीज जो है भारत आते हैं और किस तरीके से आते हैं, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थी जो हमें इसमें याद रखनी है. सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर मैप में हम जानेंगे जो पोर्टुगीज है वो कहाँ पर है. तो ये हमारा जो है वो यूरोप का मैप है. यहाँ पर ऊपर यूरोप है यहाँ पर और पोर्टुगीज जो है ये यहाँ पर पोर्टुगल है. पोर्टुगल जो है यहाँ से आते हैं और इंडिया जो भारत है वो यहाँ पर है. तो मतलब इस रास्ते से जो है वो होके जो है वो यहाँ पर आते हैं. तो यहाँ पर आप अच्छे से और मैप समझ सकते हैं जो ये पोर्टुगल जहाँ पर दिखाया गया है. ठीक है, तो ये कहाँ पर है, स्पेन का जो है वो नेबर है. तो यहाँ पर हम जानेंगे इट वॉज द पोर्टुगल, ये पोर्टुगल्स थे जो सबसे पहले जो है वो भारत में आते हैं. तो आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा, सबसे पहले भारत में कौन आया. ठीक है, तो कौन आते हैं, वो पोर्टुगीज है. वो कौन सी पावर थी, पोर्टुगीज थी. बट यहीं पर आप याद रखेंगे जो पोर्टुगीज थे वो सबसे पहले तो भारत में आए लेकिन सबसे आखिर में भारत से गए. तो यहाँ पर इस बात को जो है आप भूलेंगे नहीं. यहाँ पर याद रखेंगे आप पोर्टुगीज केम अर्ली एंड इन इंडिया बट स्टेट लॉन्गेस्ट टाइम. सबसे पहले तो आए 1498 में आते हैं और 1961 तक जो है ये पोर्टुगीज जो है इंडिया में रहते हैं. तो सबसे लॉन्गेस्ट जो है वो कौन रहे हैं, पोर्टुगीज रहे हैं. क्वेश्चन आपके पास पूछा जाएगा सबसे पहले कौन आया, पोर्टुगीज आते हैं. ठीक है, सबसे ज़्यादा देर तक भारत में कौन रहे, पोर्टुगीज रहते हैं. तो पोर्टुगीज में जो सबसे पहले आए उनके इंपॉर्टेंट सेलर है जिनका नाम आपको याद होना चाहिए. पोर्टुगीज सेलर वास्को डा गामा अराइव्ड एट कालीकत. कहाँ पर पहुँचते हैं, सबसे पहले कालीकत में पहुँचते हैं और कालीकत का जो है आज का नाम जो है कोज़िकोडो. तो याद रखेंगे आप. तो कब आते हैं, 20 मई 1498 को जो है ये कालीकत में आते हैं. और यहाँ पर जो किंग जो थे, लोकल रूलर जो थे, किंग जेमोरिन जो लोकल रूलर थे वो इन्हें रिसीव करते हैं.
तो कौन रिसीव करता है यहाँ पर? किंग जेमोरिन जो है वो रिसीव करते हैं। ये सारे के सारे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ से बन गए। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका, सबसे पहले कौन आया? प्रोटेगूज आए। प्रोटेगूज के जो सेलर थे जो सबसे पहले आए उनका नाम क्या था? वास्को डा गामा जो था वो उनका नेम था। और यहाँ पर जो है वो कब पहुंचते हैं? 1498 में, मई का महीना था। कहीं पर 17 मई लिखा होता है, कहीं पर 20 मई, तो याद रखेंगे मई 1498। ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस साल में पहुंचे। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रहता है वो कहाँ पर आते हैं? कालीकट में पहुंचते हैं। 2016 का जो प्रीलिम्स केस का केएएस का जो था पेपर था उसमें ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था, और ये क्वेश्चन मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी अपलोड किया हुआ है। और यहाँ पर कौन से रूलर उनको रिसीव करते हैं? किंग जेमोरिन। अब यहाँ पर एक और बात याद रखेंगे, किस शिप में वो यहाँ पर आते हैं? उस शिप का नाम क्या था? उस शिप का नाम था साओ गैब्रियल। साओ गैब्रियल उस शिप का नाम था जिससे जो है वो यहाँ पर वास्को डा गामा इस रास्ते होते हुए जो है वो भारत पहुंचते हैं। और यहीं पर जो है वो बात याद रखेंगे, जो ये इनकी यात्रा थी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इस यात्रा में पूरे 90 दिन लगे थे। तो याद रहे यहाँ पर कितने दिन लगे थे? 90 डेज लगे थे उनको पोर्टुगल से जो है वो भारत पहुंचने में। और यहीं पर जो है 90 दिन उनको लगे, और उसके बाद जो है वो 3 महीने भारत में रहे। भारत में मतलब 3 महीने रहे, मतलब 90 दिन यहाँ पर रहे। वास्को डा गामा जो थे उसके बाद जो है वापस चले जाते हैं। कहाँ पर वापस जाते हैं? ये जहाँ से आए थे, पोर्टुगल। प्रोटोकॉल जो है ये वापस चले जाते हैं। बट यहाँ पर भी आपको याद रखना होगा, आपको ये मैप जो है वो दिख रहा होगा, आपने देखा ये जो ब्लू लाइन है, ये वाली लाइन है, इसमें एरो जो है वो इस तरीके से है। मतलब जब ये प्रोटोकॉल से वापस आ रहे थे तो ये कहाँ पर पहुंचे? सबसे पहले ये कालीकत में पहुंचे। लेकिन जब ये वापस गए, ये वापस कालीकत से नहीं गए, ये वापस गोवा से होते हुए गए। और आपको ये वाला एरो यहाँ से दिख रहा होगा कि ये वापस जाने का एरो है। तो ये जब वापस गए तो ये कहाँ से गए? गोवा से वापस चले गए, कालीकत से वापस नहीं गए। तो एक और इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जब ये वापस गए अपने साथ जो है ये ब्लैक पेपर को लेके गए, ठीक है, अपना जो कार्गो इनका जो शिप था भर कर जो है वो शिप ये लेके गए यहाँ से काली मिर्च, और जो इन्होंने यूरोपियन मार्केट में बाद में बेची, और इनको जो है उससे 60 गुना जो है वो मुनाफा हुआ। तो 60 टाइम जो है इनको मुनाफा हुआ। तो याद रहे पोर्टुगीज 1498 में जो है पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर बनती है। 1499 में जो है ये वापस जाते हैं। कब जाते हैं? 1499 में जो है ये वापस जाते हैं, और जो है अपने साथ काली मिर्च लेते हैं जिससे इनको जो है 60% जो है ये प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कब होता है? जब ये इसको यूरोपियन मार्केट में जो है ये भेजते हैं, वहां पर सेल करते हैं। और उसी के बाद जो है 1502 में जो है ये दोबारा जो है भारत आते हैं। तो चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। वास्को डा गामा जो थे ये दोबारा भारत जो वापस आते हैं 1501 के एंड पे। बट सून वास्को डा गामा केम बैक टू इंडिया फॉर द सेकेंड टाइम। आपको तो टोटल याद रहे ये 3 बार जो है भारत आए थे। पहली बार 1498 में आए थे, दूसरी बार 1501 में, और कहीं कहीं 1502 भी लिखा जाता है, बट इसके एंड में आए थे। और जो तीसरी बार आए थे इनको पोर्टुगीज ने अपना गवर्नर बना के जो है 15 जो है वो 28 में जो है यहाँ पर भेजा था, 28 में जो है वो भारत में इनको भेजा था। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, जो वास्को डा गामा थे ये कितनी बार जो है वो भारत आए। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात याद रखेंगे, ही सेट अप द ट्रेडिंग फैक्ट्री एट कोचिन। तो यहाँ पर 1502 में इन्होंने ट्रेडिंग फैक्ट्री कहाँ पर बनाई? कोचिन में बनाई। कहाँ पर बनाई? कोचिन में बनाते हैं जब ये वापस आते हैं। उसके बाद जो है ट्रेडिंग फैक्ट्री, ट्रेडिंग फैक्ट्री किस टाइप की फैक्ट्री होती थी? बेसिकली के ट्रेडिंग पोस्ट होती थी जिसे हम फैक्ट्री कहते हैं, जहाँ से ये ट्रेड किया करते थे। और जब इन्होंने यहाँ पर एस्टेब्लिश की फैक्ट्री, उसी के साथ साथ जो है इन्होंने विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड लिंक कालीकत के साथ, कैनानूर के साथ और कोचिन के साथ जो है इन्होंने जो है ट्रेडिंग जो है वो ट्रेड लिंक जो है बनाए। और यही जो है बाद में है पोर्टुगीज के जो है वो सेंटर बनते हैं भारत में। तो कौन कौन से वो सेंटर बनते हैं? कालीकत, कैनानूर और उसके अलावा कोचिन जो है वो सेंटर बनते हैं। और यहीं पर बात रहे या बाद में जो है किंग जेमोरिन जो है उसको पोर्टुगीज ने जो वो जेमोरिन जिसने वास्को डा गामा को जो है वो रिसीव किया था, उसी को जो है पोर्टुगीज ने बाद में जंग में जो है वार में जो है हरा दिया। और इस तरीके से अपनी जो है मिलिट्री सुपेरियरिटी जो थी पोर्टुगीज ने एस्टेब्लिश की। जब अपने इन्होंने
प्रोटेगुज ने जो है अपनी मिलिट्री सुपेरियरिटी जो है वो एस्टेब्लिश की। तो इसके बाद जो है वो यहाँ पर जो है ट्रेड करने बेसिकली आए थे, फिर ट्रेड के बाद ये वार करते थे और वार के बाद जो है ये ट्रीटीज करते थे और लास्ट में जो है ये रूल करने लगे। तो यहाँ पर भी जो है इसी तरीके से जो है काम हुआ। तो पहले ट्रेड के लिए आए, उसके बाद जो है वार की लोकल रूलर्स के साथ, और फिर जो है ये गवर्नर अपने भेजने लगे। तो 1505 में पोर्टुगीज ने जो है अपना पहला गवर्नर इंडिया में अपॉइंट किया, और उस गवर्नर का नाम क्या था जो कि लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडिया। फ्रांसिस्को डी अल्मीडिया जो थे ये जो थे पहले गवर्नर रहे पोर्टुगीज के इंडिया में, और इन्होंने जो है दे वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर इन इंडिया। और इनकी एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है, इसके बारे में भी आपको पूछा जाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो किसने स्टार्ट की। तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडिया ने जो है स्टार्ट की थी। मतलब यहाँ पर अल्मीडिया जो थे इन्होंने अटैक किया ऑन अरेबियन एंड कंक्वर्ड देयर ट्रेड, अरब जो है वो ट्रेड कर रहे थे उनके एरिया पे जो है इन्होंने आक्रमण किया, और इसी को कहा जाता था ब्लू वाटर पॉलिसी। जो पोर्टुगीज थे वो अपने को जो है वो मास्टर समझा करते थे, किसके, इंडियन ओशन के जो है वो मास्टर समझते थे। आपको याद रहे बात 1498 में जो है पोर्टुगुल में जो है एक मैरीटाइम स्कूल भी चल रहा था, जहां पे उनको नेवल जो है इसके बारे में नॉलेज दिया जाता था, साइंटिफिक नॉलेज दिया जाता था नेविगेशन से रिलेटेड, और जो है शिप बिल्डिंग से रिलेटेड जो है वो नॉलेज दिया जाता था। तो यहाँ पर उनके पास जो है वो नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज भी था, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज भी था, मतलब वो इम्पोर्टेंट स्किल्स थे जो कि ओशंस में यूज होते थे। तो इसी वजह से वो अपने को मास्टर समझते थे इंडियन ओशन का, और यही वो पहले यूरोपियन थे जिन्होंने सी रूट जो है वो इंडिया तक जो है वो फाइंड आउट किया। तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट गवर्नर आते हैं अल्फोंसो डी एल्बुक्यूर की, और इन्हीं को माना जाता है एक्चुअल फाउंडर। तो ये वो गवर्नर थे जो 1509 में जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं, और जिन्होंने रिप्लेस किया किसको, फ्रांसिस्को डी अल्मीडिया को इन्होंने रिप्लेस किया, और यही जो गवर्नर है जिन्होंने गोवा पे आक्रमण करके गोवा को कैप्चर कर लिया। उस टाइम जो गवर्नर जो थे गोवा में, सॉरी जो किंग थे, एम्परर थे वहाँ के गवर्नर के, उनका नाम था आदिल शाही, और आदिल शाही जो थे बीजापुर के जो थे वो सुल्तान थे। और जब इनसे इन्होंने जंग की और साथ में ही गोवा को जो है वो कैप्चर कर लिया, लेकिन इस टाइम जो थी 1509 में जो थी वो इनकी कैपिटल जो थी वो कोचिन थी। गोवा में जो इन्होंने आक्रमण किया वो 1510 में आक्रमण किया, और उसके बाद जो है अपनी कैपिटल को जो है वो गोवा में ले गए। तो यहाँ पर जो है इन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट काम भी किए, अल्फोंसो डी एल्बुक्यूर्की ने कुछ इम्पोर्टेंट काम किए, और इन्हीं की कंट्रीब्यूशन देखेंगे हम इंडिया में। वो इम्पोर्टेंट क्या काम क्या थे, पहली बात ही प्रोहिबिटेड द सती प्रैक्टिस इन इंडिया। इंडिया में जो सती प्रैक्टिस जो है वो चल रही थी, जिसमें जो है औरतों को जिंदा दरगोर कर किया जाता था जब उनके हस्बैंड मर जाते थे। तो यहाँ पर जो है इन्होंने इसको जो है पहले गवर्नर थे जो जिन्होंने इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाई। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप याद रखिए यहाँ पर मैंगो जो है ये यहाँ पर पिक्चर मैंने अपलोड की हुई है, आपको याद रहे क्यों की है। आप जानते हैं आज हमारे भारत में जो है अल्फोंसो मैंगो के नाम से जो है एक वैरायटी मैंगो की है, जो कि बहुत ही महंगी वैरायटी भी मानी जाती है। तो यहाँ पर जो है अल्फोंसो मैंगो जो है वो इन्हीं के नाम पे जो है वो बनते हैं। ये हमारे पास है अल्फोंसो एल्बुक्यूर्की, इन यही जो है ये सबसे पहले इस मैंगो की वैरायटी को इंडिया लेके आए थे, और ये पोर्टुगीज जनरल भी थे, मिलिट्री एक्सपर्ट भी थे, हु हेल्प एस्टेब्लिश द पोर्टुगीज कॉलोनीज इन इंडिया, और इन्होंने ही एस्टेब्लिश की थी पोर्टुगीज कॉलोनी इंडिया में, तो याद रहे। और जो इन्होंने जो है अपनी कॉलोनी जो पहली ईस्ट, इन्होंने पोर्टुगीज ने अपनी जो है यहाँ पर कंपनी बनाई थी, उसका नाम था स्टैंडो डी इंडिया, याद रहे। तो यहाँ पर इनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नाम याद करेंगे, इनकी क्या क्या कंट्रीब्यूशन थी। अल्फोंसो डी एल्बुक्यूर्की जो थे इन्हें ड्यूक ऑफ गोवा भी कहा जाता है, इन्हें मिलिट्री जीनियस भी कहा जाता है, और इन्हें प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट नेवल कमांडर ऑफ द एज भी कहा जाता है। और ये गवर्नर जो रहे 1509 से लेके 1515 तक जो है ये इंडिया में गवर्नर रहते हैं, और इनकी डेथ भी यहीं पर होती है, और 1510 में ही इन्होंने कैप्चर किया था गोवा को।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो ऐसे स्टूडेंट अगर उनको वीडियो जो है वो क्लियर नहीं हो रही, साफ नहीं दिख रही होगी, तो यहाँ पर जो है वो तीन पॉइंट्स होते हैं। इस तरीके से आप इन तीन पॉइंट्सों में जाकर जो है क्वालिटी को अपनी 360 तक कर लीजिए, तो आपको वीडियो की जो है क्वालिटी बेटर दिखेगी। हमारी तरफ से जो है वीडियो में क्वालिटी में कोई इश्यू नहीं, बट फिर भी कुछ बच्चे कॉमेंट करते हैं। अब यहीं पर जानेंगे हम अल्फोंसो डी अल्बुक्यूर्की के बारे में। जी, इन्हें जो है रियल फाउंडर जो है माना जाता है पोर्टुगीज पावर का इंडिया में। गोवा, जिसे हमने अभी पढ़ा, गोवा जो है सब्सिक्वेंटली बिकम द हेडक्वार्टर ऑफ द पोर्टुगीज सेटलमेंट इन इंडिया। गोवा जो है वो हेडक्वार्टर बनता है, यहाँ पर जो है वो गोवा है। ये मैप जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है वो गोवा है। पोर्टुगीज होल्ड ओवर द कोस्टल एरियाज एंड सिक्योरिटी इन द नेवल पावर हेल्प देम सिग्निफिकेंटली। हम जानते हैं ये हमारे कोस्टल जो एरिया है, यहाँ से गुजरात से हमारी कोस्ट लाइन स्टार्ट होती है। 7516 किलोमीटर जो हमारी कोस्ट लाइन है इंडिया में, और पोर्टुगीज ने है इसी कोस्ट लाइन पे जो है वो अपने कब्जे करना शुरू कर दिया था। और यही ये क्योंकि इनके पास जो है ये नेवल मास्टर, नेवल जो थे, नेवल पावर में ये मास्टर थे, और यही जो है सबसे बड़ा जो है इनका फायदा रहा। और इन्हीं के बाद हमारे पास नेक्स्ट गवर्नर पोर्टुगीज के आते हैं, नीनो डी कुन्हा। 1529 से 1538 तक जो है ये गवर्नर रहते हैं। और यहाँ पर इन्होंने क्या 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 काम किए, ये हमारे पास जो है जैसे कि दमन है, ये हमारे पास दियो है, इन दो को भी इन्होंने कैप्चर किया। बट इनके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि इन्होंने क्या काम किया, ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम कोचिन टू गोवा। इन्होंने अपनी कैपिटल को जो है वो गोवा में शिफ्ट किया। कोचिन में जो पहली कैपिटल थी उसे जो है इन्होंने कहाँ पर शिफ्ट किया, गोवा में। तो यही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाएगा। तो इसी के बाद जो है इन्होंने दमन और दियो को भी जो है कैप्चर करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर जो मुंबई महाराष्ट्र में एक और जगह थी साल्टी, इसे भी जो है इन्होंने जो है वो कब्जे में लिया। लेकिन 1631 में क्या होता है, जो शाहजहां थे वो इन्हें पोर्टुगीज को हुबली में जो है हराते हैं। हुबली कहाँ पर, कर्नाटका में जो है इन्हें पोर्टुगीज को हराते हैं। तो यहीं पर बात याद रहे, जो गोवा है आज प्रेजेंट डे में, और जो दमन एंड दीव है ये हमारी जो है यूनियन टेरिटरी बन गई। बाद में जो है गोवा को जो है वो स्टेट बना दिया गया। तो ये गोवा को स्टेट कब बनाया, 1987 में, और ये हमारी जो इंडिया की 25वीं स्टेट जो है वो बनाई गई थी। ठीक है, तो गोवा जो है इसको स्पेशल स्टेटस दिया गया है अंडर द आर्टिकल 370, अंडर द आर्टिकल 371 में जो है इसे जो है स्पेशल जो है स्टेटस दिया गया है आई। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट होती है, उसके लिए मैं आई लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है गोवा को जो है वो स्पेशल स्टेटस जो है दिया गया है अंडर आर्टिकल 371। ठीक है, तो याद रहे आपको ये एक स्पेशल स्टेट है। तो यहाँ पर एक और बात भी याद रहे, ये सबसे छोटी स्टेट भी है इंडिया की। गोवा जो है इट इज़ अ स्मॉल स्टेट इन द एरिया। एरिया के हिसाब से अगर देखा जाए गोवा जो है वो स्मॉल स्टेट है, लेकिन जो सिक्किम है, ये सिक्किम जो है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे जो है वो स्मॉल स्टेट है। अब क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन जो थी वो पोर्टुगीज की थी इंडिया में, तो कॉन्ट्रीब्यूशन आप पोर्टुगीज देखते हैं। ठीक है, पोर्टुगीज ने इंडिया में जो है वो क्या क्या काम किए। पहली बात, हार्वेस्टिंग ऑफ द पोटैटोज, जो आलू है, पोटैटोज जो है, ये पोर्टुगीज इन्हें बटाटा कहा करते थे, और ये अपने साथ जो है पोर्टुगीज जो है इंट्रोड्यूस किए इन्होंने पोटैटो इंडिया में। तो पहली बार जो आलू है इंडिया में वो कौन लेके आए, पोर्टुगीज लेके आए। तो याद रहे पोर्टुगीज जो है बटाटा कहा करते थे आलूओं को, और ये पहली बार जो है इंट्रोड्यूस किए इन्होंने पोटैटो इंडिया में। पहले तो ये साउथ इंडिया में रहे, और बाद में नॉर्दर्न प्लेन में भी जो है उगाए जाने लगे, और आज देखिए आज जो है पूरे भारत में जो है ये वैरायटी जो है, ये जो वेजिटेबल है ये उगाई जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास पोर्टुगीज ने जो है लाल मिर्च यहाँ पर लेके आए, जो रेड चिल्ली होती है जिन्हें आप मिर्ची कहते हैं, ये भी जो है पोर्टुगीज जो है इंडिया में लेके आए 16वीं सदी में। ठीक है, पूरे एशिया में जो है यही लेके आए। और उसके अलावा जो है तंबाकू, जो तंबाकू जो होते हैं ये भी जो है इंडिया में जो है पोर्टुगीज लेके आए। और शिप बिल्डिंग जो कि इंडिया को सिखाई
वो भी पुर्तगीज ने ही सिखाई। उसके अलावा कैथोलिक चर्च का जो डिज़ाइन आज हमारे पास जो कैथोलिक चर्च का डिज़ाइन है, यही पुर्तगीज जो है वो इंडिया में लेके आए। और इसी टाइम जो है पुर्तगीज जो है जब इंडिया आए, साथ में इन्होंने क्रिश्चियनिटी की जो है क्रिश्चियनिटी मिशनरीज भी इनके आए। और एक ऐसा क्रिश्चियन मिशनरीज है जिन्होंने 7 लाख से ज़्यादा जो है इंडियंस को जो है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया। आप उसका नाम जो है कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो पुर्तगीज ने हमारे लिए यहाँ पर जो है प्रिंटिंग प्रेस भी लेके आए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट अगर हम इंडिया की मानते हैं आज प्रिंटिंग प्रेस के जरिए है। बेसिकली जो ये प्रिंटिंग प्रेस थी अपनी क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए लाई, क्योंकि उस टाइम जो है थी ये बाइबल या दूसरी बुक्स की जो है वो यहाँ पर जो है उन्हें पब्लिश किया करते थे। तो प्रिंटिंग प्रेस जो थी, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस की अगर मैं बात करता हूँ तो 1576 में जो है पहली जो है वो सॉरी यहाँ पर शायद 1576 नहीं था, शायद 56 था, चाहे 56 होगा, 1556 या 57 में जो था पहली प्रिंटिंग प्रेस जो है इस्टेब्लिश की गई। और ये जो थी जीसिट मैंने जो मिशनरीज थे गोवा के, उन्होंने जो है वो यहाँ पर लेके आए। तो यहीं पर जो है पहली बात भी याद रखेंगे। और पहली बुक जो है इन्होंने कौन सी यहाँ पर जो है वो पहली बुक जो है प्रिंट की वो कौन सी थी, डॉक्ट्राइन क्रिस्टा 1576 में जो है वो बुक प्रिंट की। एक बार इस डेट को देख लेना, शायद जो है वो ठीक भी हो सकती है ये डेट। ठीक है, ये डेट आप देख लीजिए 1576 है या 57 है। तो इसी के बाद जो है तमिल में अगर हम बात करेंगे, तेलुगु में अगर हम बात करते हैं, तो पहली जो है बाइबल की जो है वो ट्रांसलेशन की गई। ठीक है, तो पहली बुक जो प्रिंट की गई थी वो बाइबल की ट्रांसलेशन थी। चलिए उसके बाद जो सेकंड पावर पे आते हैं, दूसरे नंबर पे जो भारत आते हैं वो थे डच। डच कौन लोग होते हैं, जो आज का नीदरलैंड है इन लोगों को हम डच कहा करते थे। तो द पीपल ऑफ द हॉलैंड, ऐसे लोग जो हॉलैंड में रहते हैं प्रेजेंट जो है आज का नीदरलैंड, उन्हें हम डच कहा करते थे। नेक्स्ट टू द पोर्टुगीज, पोर्टुगीज के बाद जो है डच जो है वो अपनी यहाँ पांव जो है इंडिया में फैलाते हैं, और यहीं पर जो है दूसरे नंबर पे डच आते हैं। और 1602 में जो है द यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो नीदरलैंड की जो थी वो बनाई गई विद द परमिशन बाय द डच गवर्नमेंट, और इसकी परमिशन डच गवर्नमेंट ने दी टू ट्रेड इन ईस्ट इंडीज इंक्लूडिंग इंडिया। लेकिन इनका जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस था वो इंडोनेशिया ईस्ट इंडीज में था, और लेकिन जो है ये इंडिया भारत में भी जो है अपनी सेटलमेंट बनाए। और यहीं से जो है हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इनके बारे में। नीचे आपको मैप दिख रहा होगा, ये गोवा हमारे पास है, ठीक है, और ये हमारे पास इंडोनेशिया है। तो यहाँ पर जो है डच का ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, और यहीं से जो है वो भारत में जहाँ जहाँ उन्होंने ये फैक्ट्रीज बनाई वो आपको दिख रहा होगा, ये इनके जो है सेटलमेंट थे। तो द डच फाउंडेड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन मसूलीपट्टनम, और यहीं से आपका इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। डच ने पहली अपनी फैक्ट्री कहाँ पर बनाई, पहली फैक्ट्री इन्होंने बनाई मसूलीपट्टनम में, और राज मसूलीपट्टनम कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। 1615 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में बनाई। और यहीं पर बच्चों एक बात याद रहे, डच के जो पहले यहाँ पर आए थे वो 1596 में आए, उनका नाम था केयरलेस हॉटमैन जो थे वो पहले आए, कार्नेलियस हॉटमैन। ठीक है, कार्नेलियस हॉटमैन जो थे 1596 में पहले डच थे जो भारत में आए। ठीक है, और यहाँ पर 1602 में इन्होंने अपनी जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टेब्लिश किया, और 1605 में फर्स्ट फैक्ट्री जो है मसूलीपट्टनम में बनाई। और यहीं पर याद रहे बात, इसके अलावा भी इन्होंने बहुत से काम किए, आगे आगे हम पढ़ेंगे, जैसे कि इन्होंने गोल्डन काइन जो है इंडिया में स्टार्ट किए। तो डच ने डच सूरत एंड डच बंगाल वार एस्टेब्लिश 1616 में डच सूरत में, और जो है 1627 में डच ने जो है बंगाल में अपनी कंपनी एस्टेब्लिश की। डच कॉन्क्योर्ड सीलोन फ्रॉम द पोर्टुगीज, पोर्टुगीज के पास जो था वो सीलोन था। यहाँ पर जो है नीचे आप देखेंगे, यहाँ पर ये जगह है, तो यहाँ पर जो है सीलोन को जो है पोर्टुगीज के कब्जे से 1656 में डच ने लिया। सो दे टुक They also took Portuguese fort on the Malabar coast. Malabar coast जो कहाँ पर है, केरला में है, 1671 में जो है
इस पे भी जो है डच की निगाहें रही और यहीं पर जो है इस पे भी कब्जा करने की कोशिश हुई। तो डच ने जो है इसे भी फाइनली जो है उसका उस पे भी जो है अपना शासन शुरू कर दिया। एंड द डच ग्रेजुअली बिकम द पोटेंट फोर्स कैप्चरिंग नागापट्टनम। यहीं पर इन्होंने नागापट्टनम जो कि मद्रास के पास था इसे भी अपने कब्जे में लिया, जो कि पहले पोर्टुगीज के पास था। और इस तरीके से इन्होंने साउथ इंडिया में अपना कब्जा जो है अपने पैर जमाना शुरू कर दिया। अगर इकोनॉमिक टर्म्स की बात करेंगे, दे अर्न ह्यूज प्रॉफिट, बहुत ज्यादा प्रॉफिट जो है इनको हुआ, ठीक है, थ्रू दियर बिजनेस मोनोपोलाइजिंग इन ब्लैक पेपर एंड स्पाइसेस। तो बेसिकली ये केरल यहाँ पर जो है साउथ इंडिया में और जो इंडोनेशिया में है मसालों की ट्रेड के लिए आए थे और यहीं पर जो है इन्होंने मोनोपोली ले ली थी कि अपनी जो काली मिर्च है, ब्लैक पेपर है और दूसरे मसाले जो है स्पाइसेस जो है उनकी ट्रेड करेंगे। और ज़्यादातर जो ट्रेड किया करते थे कॉटन की, इंडिगो की, सिल्क की, राइस की, ओपियम की जो है ये किया करते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे डच से रिलेटेड, जो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, मैंने हर चीज बताने की जो है यहाँ पर कोशिश की है शॉर्ट में। चलिए तो आगे जो है डच के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद जो है इन्होंने हमारे, जैसा मैंने कहा, इन्होंने गोल्ड कॉइन यहाँ पर शुरू किए। द डच ड्यूरिंग दियर स्टे इन इंडिया ट्राइड दियर हैंड ऑन माइंटिंग अ कॉइनेज। तो यहीं से इन्होंने कॉइन्स बनाना शुरू किए। सो एज द ट्रेड फ्लोरिश दे एस्टेब्लिश मिंट एट कोचिन, मसूलीपट्टनम एंड नागापट्टनम। और जो जो इन्होंने अपनी सेटलमेंट जहां जहां बनाई थी वहां पर इन्होंने जो है सिक्के बनाना शुरू कर दिए, पुडुचेरी में भी और पुलिकट में भी। और यहीं पर याद रहे गोल्ड पगोड़ा के बारे में, इवन मोर गोल्ड पगोड़ा विद एन इमेज, जिसपे किसकी इमेज थी, लॉर्ड वेंकटेश्वरा की, यानी कि गॉड विष्णु की, वाज इशूड एट पुलिकट मिंट। तो याद रहे कहाँ पर, पुलिकट मिंट पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गोल्ड पगोड़ा की शुरुआत किसने की, ये शुरुआत की थी डच ने। तो याद रहे डच ने शुरुआत की थी किसकी, गोल्ड पगोड़ा की, ठीक है। दीज कॉइन्स इशूड बाय द डच, किसने इशू किए थे, डच ने। और इस पे जो है गॉड विष्णु की जो है वो इमेज जो है वो मिंट की गई थी। यहाँ पर जो है दो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज थी जो ये चला रहे थे। तो यहीं पर बात याद रखेंगे, जो डच थे दे हैड टू इंडस्ट्रीज इन इंडिया, कौन कौन सी वो इंडस्ट्रीज थी, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और दूसरी इंडस्ट्री थी इंडिगो इंडस्ट्री। तो यहाँ पर डच का जो है वो इन्फ्लुएंस जो था वो बढ़ गया था। और यहीं पर जो ब्रिटिश थे, जो कि 1600 में अपनी ब्रिटिश में जो थे वो अपनी इस्टेब्लिश कर चुके थे ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन भारत में 1608 में आते हैं जो है इजाज़त लेने के लिए जहांगीर के कोर्ट में। और यहीं पर जो है 1611 में ब्रिटिश जो है वो अपनी मसूलीपट्टनम में और सूरत में जो है वो 1613 में जो है वो अपनी पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं। तो उस टाइम जो है डच का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था और यहीं पर ब्रिटिश और डच की जो है वो लड़ाई होती है, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स जो थे दे वॉन द बैटल ऑफ बेदेरा, बेदेरा की लड़ाई जो कि 1759 में जो है होती है, वहाँ पर जो है उनकी जीत होती है। तो यहाँ पर डचेस जो है वो लड़ाई हार जाते हैं। और यहीं पर जो है डच प्रेजेंस ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट लास्टेड फ्रॉम 1605 से लेकर 1825 तक जो है वो रहते हैं, लेकिन 1825 में जो है वो खुद ब खुद जो है यहाँ से चले जाते हैं। द राइज ऑफ द ब्रिटिश पावर इन द ईस्टर्न ट्रेड पोस्ट इज सीरियस चैलेंज टू द कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ द डच। जब उनको ये लगता है कि हमारा जो इंटरेस्ट है यहाँ पर कमर्शियल इंटरेस्ट जो है वो अचीव नहीं हो सकता है, तो इस तरीके से जो है वो यहाँ से खुद चले जाते हैं। बेदारा की जो लड़ाई 1759 में होती है, सो लीडिंग टू द ब्लडी वॉरफेयर बिटवीन देम इन विच द ब्रिटिशर जो है देवर क्लियर विनर ओइंग टू द ह्यूज रिसोर्सेज एट दियर डिस्पोजल। तो यहाँ पर याद रहे बात, जो डच थे 1825 में यहाँ से चले जाते हैं। तो अब जो पोर्टुगीज थे उनकी कहानियाँ जो थी, पोर्टुगीज की कहानियाँ जो थी, पोर्टुगीज अपने वहाँ पर यूरोप में सुनाया करते थे लोगों को। मतलब वो क्या सुनाते थे कि हमको इतनी सी चीज़ हमने लाई थी, ब्लैक पेपर या कुछ और मसाले, जो हमें 60% मुनाफे पे बेचे। तो जब ऐसी कहानियाँ वो सुनते थे बाकी यूरोपियन, तो वो इससे काफ़ी मोटिवेट होते थे।
तो वो बिजनेस स्टोरियां सुनते थे कि इनकी प्रोटोगुलियों की। तो एज अ रिजल्ट अ ग्रुप ऑफ द इंग्लिश मर्चेंट, एक ग्रुप है इंग्लिश मर्चेंट का जिसका नाम है मर्चेंट एडवेंचर। तो आपको याद रहे पहला ग्रुप जो है ब्रिटिश का वो कौन सा था, मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप जो था वो भारत आने की ख्वाहिश रखता है। और एज अ रिजल्ट जो मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप था दे फाउंड अ कंपनी, उन्होंने एक कंपनी बनाई जो कौन सी कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने ये कंपनी 1599 में बनाई। और यहीं पर जो पहले ब्रिटिश थे उनका नाम था जॉन मिल्डिन हॉल। 1599 में जो है वो विजिट किए इंडिया। तो ब्रिटिश ये जो थे ये डच से पहले जो है इंडिया आए, लेकिन इनकी फैक्ट्री जो है बाद में बनी। और जब ये विजिट किए इन्हीं के ये इन इनमें एक और थे राल्फ फिंच, जो कि अकबर के कोर्ट में जो है वो विजिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अकबर जो थे इनके कोर्ट में जो है राल्फ फिंच जो है विजिट करते हैं। और यहीं पर बात याद रखेंगे 1605 में जो है वो अकबर की जो है वो डेथ हो जाती है। ठीक है, अकबर की जो है वो डेथ हो जाती है 1605 में। द कंपनी रिसीव्ड, और ये जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, दे रिसीव्ड अ रॉयल चार्टर फ्रॉम द क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। और क्वीन एलिजाबेथ से जो है पहली जो क्वीन थी उन 31 दिसंबर 1600 में इन्होंने इन्हें जो है एक चार्टर मिल जाता है जहां से ये है ऑथोराइज करते हैं अपने ट्रेड टू द ईस्ट, कि अब हम ट्रेड कर सकते हैं ईस्ट में। तो अपनी रानी से जो है ये एक जो है फरमान लेके आए थे कि हम इंडिया जो में जो है वो ईस्ट में जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। इसे ईस्ट क्यों कहा जाता था, जो भी कंपनीज थी वो ईस्ट में क्यों थी, क्योंकि इंडिया ईस्ट में था और वेस्ट इंडीज वेस्ट में था, जिसे वेस्ट इंडीज कहा जाता था। तो जो भी कंपनी इंडिया में बनी उसके साथ ईस्ट लगा। जो क्वीन जो थी यहाँ पर जो थी, क्वीन वाज हरसेल्फ अ शेयर होल्डर इन द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी में जो क्वीन थी वो भी शेयर होल्डर थी। तो बट यहाँ पर बात याद रहे मर्चेंट एडवेंचर ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी तो बना ली, यहाँ पर जो है अकबर की जो डेथ हो जाती है 1605 में, यहीं पर क्वीन एलिजाबेथ की जो है डेथ भी हो जाती है उसी टाइम। तो जहाँ पर लंदन में जो क्वीन एलिजाबेथ जो थी 1603 में इसकी डेथ हो जाती है और अकबर की 1605 में होती है। और अकबर के बाद यहाँ पर जो है वो जहांगीर की हुकूमत आती है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ब्रिटिशर्स में, तो यहाँ पर जो है किसका राज आ जाता है, यहाँ पर जो आता है जेम्स फर्स्ट का जो है वो राज आ जाता है। तो 31 दिसंबर को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्टेब्लिश की जाती है। और 1608 में जो है जेम्स जो कि वहाँ के अब राजा बन गए थे, वहाँ के जो है किंग बन गए थे, सर जेम्स रॉय को जो है यहाँ भेजते हैं। मतलब सर जो जेम्स रॉय जो थे पहले जो थे वो यहाँ पर विलियम हॉकिंस जो थे अपने उन्हें भेजते हैं। एक कैप्टन थे जो कि नेवल में एक्सपर्ट थे, तो विलियम हॉकिन को जो है वो मुगल एम्परर यानी कि जहांगीर के कोर्ट में भेजते हैं और यहाँ पर इजाज़त मांगते हैं फैक्ट्रीज खोलने की, यहाँ पर ट्रेड करने की इजाज़त मांगते हैं। यहाँ पर एक और बात याद रहे, जो विलियम हॉकिंस थे वो किस शिप में इंडिया आए, उस शिप्स का नाम क्या था, उस शिप्स का नाम जो था वो क्या था, हेक्टर था। तो विलियम हॉकिंस जो थे वो हेक्टर के जरिए जो है वो इंडिया आते हैं। ठीक है, विलियम हॉकिंस जो थे वो हेक्टर के जरिए भारत आते हैं। ठीक है, लेकिन जब वो आते हैं वो जहांगीर के कोर्ट में जो है वो यहाँ पर रहते हैं 1609 से लेकर 1611 तक। और यहाँ पर वो जहांगीर को बहुत मनाने की कोशिश करते हैं कि हमें जो है वो फरमान दी जाए कि हम यहाँ पर जो है वो ट्रेड कर सकें, हम अपनी फैक्ट्रीज जो है वो खोल सकें। लेकिन जहांगीर जो है वो उन्हें फरमान उस टाइम नहीं देते, उन्हें परमिशन नहीं देते हैं। तो उन्होंने बहुत मनाने की कोशिश की जहांगीर के कोर्ट में रहकर, लेकिन जहांगीर ने उन्हें इजाज़त नहीं दी। तो यहाँ से जो है विलियम हॉकिंस जो है वो वापस चले जाते हैं और वापस जाने के अगले ही साल उनकी डेथ हो जाती है। विलियम हॉकिंस आफ्टर लीविंग द कोर्ट ऑफ मुगल्स एट द जॉइंट मिडल्टन एट बेंटन। तो ये कैप्टन मिडल्टन से जो है वो मिलते हैं। और इसी टाइम जो है एट दैट टाइम इंग्लिश वर अ ह्यूमिलेटिंग सिचुएशन इन इंडिया। इंग्लिश जो थे यहाँ पर, ब्रिटिश जो थे इंडिया में जो आए थे वो बहुत ही ह्यूमिलेटिंग सिचुएशन में थे, क्योंकि प्रोटोगीज जो थे वो उन्हें जहाँ पर भी देखते थे उन्हें मारते थे, उन्हें अरेस्ट करते थे और बाकी चीज़ें किया करते थे उनके साथ, क्योंकि उनके पास कोई भी उस टाइम जो थे ट्रेडिंग राइट्स नहीं थे इंडिया में कोई भी ट्रेड करने के। सो दे हैड नो वैलिड राइट्स टू डू एनी बिजनेस इन इंडिया। तो जब ये हेनरी मिडल्टन जो है वो इंडिया में आते हैं,
ठीक है, तो पोर्टुगीज ने उनकी बहुत सी ज़्यादा अपोजिशन की और उन्हें जो है पोर्ट में ही गिरफ्तार करने की कोशिश की कि ये सारे के सारे पोर्ट हैं, इन पे हमारा कब्जा है और हम यहाँ पर जो है वो ट्रेड करने की इजाज़त हमें मिली हुई है। इसी तरीके से जो है तो ब्रिटिश ये समझ गए कि हम यहाँ पर वार के बगैर काम नहीं कर सकते हैं। तो जहांगीर जो थे उस टाइम थे, उन्होंने कहा कि पोर्टुगीज का जो कोर्ट में इन्फ्लुएंस है इसे ख़त्म करना होगा। तो जो है ब्रिटिश ने जो है उस टाइम जो है पोर्टुगीज से जो है वो वार की, जिसमें जिसे हम बैटल ऑफ बॉम्बे कहते हैं। और बैटल ऑफ बॉम्बे के बाद जो है पोर्टुगीजों की हार होती है और यहाँ पर जो है जो ब्रिटिश है वो जीतते हैं। और इसी तरीके से जो है ब्रिटिश को जो है पहली फैक्ट्री बनाने की इजाज़त मिल जाती है। 1612 में जो है कंप्लीट परमिशन मिल जाती है। तो 1613 में जो है वो अपनी पहली फैक्ट्री जो है सूरत में इस्टेब्लिश करते हैं। कहाँ पर इस्टेब्लिश करते हैं? सूरत में। और सूरत जो है इंडिया का जो है वेस्ट वाला पार्ट था। और इसी तरीके से मसूलीपट्टनम में भी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं, जो इंडिया का साउथ का पार्ट था। और इसी तरीके से ईस्ट में भी जो है फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं। तो मतलब अब ब्रिटिश की जो थी वेस्ट में भी, साउथ में भी, ब्रिटिश की वेस्ट में भी, सॉरी, ब्रिटिश की जो फैक्ट्रीज थी वो इंडिया के वेस्ट में भी, इंडिया के साउथ में भी और इंडिया के ईस्ट में भी जो है वो तीनों जगह फैक्ट्रीज बन गई। लेकिन वो नॉर्थ की तरफ नहीं आए, क्योंकि जो एरिया नॉर्थ का एरिया था वहाँ पर कोई भी कोस्टल बाउंड्री नहीं थी, तो उस एरिया की इम्पोर्टेंस नहीं थी। तो जहाँ पर समुद्री रास्ते होते थे, जैसे कि साउथ है, वेस्ट है और ईस्ट है, यहाँ पर जो है उस एरिया की वैल्यू होती थी उस टाइम। तो यही वजह है कि वो नॉर्थ में नहीं आए। तो फिर हम जो है आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये काफ़ी जो है वो कर्सर जो है वो हैंग हो रहा है, ज़रा प्रॉब्लम होती है। तो 1615 की बात करते हैं, जब सर थॉमस रॉय जो थे वाज सेंट बाय एम्परर जेम्स। एम्परर जेम्स ने जो है सर थॉमस रॉय को जो है यहाँ पर भेजा। ये काफ़ी जो है डिप्लोमेसी में जो है अच्छे माने जाते थे। और यहीं पर इन्होंने जहांगीर को मनाने के लिए भेजा कि और ट्रेडिंग राइट्स दी जाए और कंपनीज को कुछ कंसेशन दी जाए। जो रॉय थे, थॉमस रॉय थे, ही वॉज वेरी डिप्लोमेटिक एंड दस सक्सेसफुली सिक्योर्ड अ रॉयल चार्टर। और यहीं पर जो है वो उन्होंने उन्हें रॉयल चार्टर जो है मिल जाता है कंपनी की तरफ से, गिविंग द कंपनी फ्रीडम। और यहाँ पर इन्हें कंपनी को फ्रीडम मिल जाती है टू ट्रेड इन द होल ऑफ द मुगल टेरिटरी। जहाँ जहाँ मुगल टेरिटरी है वहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो। सो आफ्टर एस्टेब्लिशिंग द फैक्ट्रीज इन द साउथ एंड वेस्ट, द कंपनी स्टार्टेड टू फोकस ऑन द ईस्ट इंडिया। और ईस्ट इंडिया जो था उस टाइम काफ़ी मशहूर था, क्योंकि जो एरिया था बंगाल, उड़ीसा, बिहार, ये सारा एरिया उस टाइम का बंगाल माना जाता था। और ये जो है सिग्निफिकेंट प्रोविंस माना जाता था मुगल एम्पायर का। सो मद्रास जो था बाद में 1677 में जो है वो लीज पे लिया लिया जाता है, ठीक है, और ये उस टाइम के राजा से। और यहाँ पर जो है साउथ में भी उनका इन्फ्लुएंस आता है। बट यहाँ पर जो बात आती है कि ये फोर्ट बनाना शुरू कर देते हैं मद्रास में, ये फोर्ट जॉर्ज बनाते हैं। और फोर्ट यहाँ पर ये बनाते हैं उस टाइम के जो गवर्नर थे बंगाल के, सुजाउद्दौला, तो वो इंग्लिश को जो है वो पूछते हैं कि यार फोर्ट बनाना क्यों शुरू कर दिया, अपने किले बनाना क्यों शुरू कर दिए। तो वो ये कहते हैं कि ये है तो हमारा जो है वो वेयर हाउस है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बाकी जो उस टाइम के मुगल एम्परर थे उनका ध्यान भी जो है वो ज्यादा इसकी तरफ नहीं गया। बट एज अ रिजल्ट जो वो फोर्ट बनाना उन्होंने शुरू किए, वो अंदर से जो था वो वार की तैयारियां थी। तो पूरे टेरिटरी पे कब्जा करने की तैयारी थी, अपने को सिक्योर करने की तैयारी थी, क्योंकि जो वो किले बनाएंगे उसके अंदर वो सिक्योर रहेंगे। तो 1651 में जो है दे अलाउड द इंग्लिश कंपनी टू कैरी आउट द ट्रेड एक्टिविटीज इन बंगाल। तो सुजाउद्दौला जो थे उस टाइम के जो नवाब थे वहां पर बंगाल के, उन्होंने जो है इन्हें जो है ट्रेड करने की इजाजत दे दी बंगाल में। तो 1661 में क्या होता है, जो बम्बई था दे वॉज गिवन टू द ड्यूरी टू द ब्रिटिश किंग। और यहीं पर जो ब्रिटिश के किंग थे जिनका नाम चार्लिस था, उन्होंने पोर्टुगीज की जो है प्रिंसेस से जो है वो शादी की, कैथरीन ब्रेगजेना जिसका नाम था। और इसी वजह से जो है उन्हें दहेज में जो है बम्बई दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको बात याद रहे 1662 में जो ब्रिटिश प्रिंस थे जिनका नाम चार्ल्स था, ही गेटिंग मैरिड टू द कैथरीन ब्रिंगजना ब्रिगजेना, जो कि पोर्टुगीज की जो थी वो रानी थी। तो
सो आफ्टर दियर मैरिज मुंबई वॉज गिवन टू द ब्रिटिश, तो इस तरीके से इनका एक इतिहाद हो जाता है, वो ब्रिटिश को जो है मुंबई दिया जाता है पोर्टुगीज़ों की तरफ से। लेकिन जो किंग थे इन्हें उसके की बॉम्बे की जो है वो जरूरत नहीं थी, तो एज अ रिजल्ट बॉम्बे को जो है किंग ने जो है वो क्या किया, चार्ल्स जो थे दे गए बॉम्बे टू ईस्ट इंडिया कंपनी, में बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया लीज पे, रेंट पे दे दिया 1668 में। और रेंट कितना लेने लगे, 10 पाउंड पर डॉलर लेने लगे। तो इस तरीके से जो है 1668 में जो है रेंट लेने लगे। लेकिन 1717 में क्या होता है, ब्रिटिशर गॉट गोल्डन ऑर्डिनेंस फ्रॉम द मुगल एम्परर फरूक शेर आफ्टर ब्रिटिश डेनिश केम टू इंडिया। और जो है ब्रिटिश के बाद जो है डेनिश जो है इंडिया में भारत में आए 1616 में, जो है डेनिश जो है वो यहाँ पर आते हैं। डेनिश कौन से लोग थे, जो थे ये हमारे हुगली सॉरी ये हमारे डेनमार्क के लोग थे डेनिश, जो कि 1616 में भारत आते हैं और अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश करते हैं। लेकिन ये पहली फैक्ट्री जो है वो तैरन कोबर केरला में बनाते हैं, और फिर जो है सीरमपुर जो है वहां पर बनाते हैं। और ये ट्रेड किया करते थे टी में और चाइना के साथ ट्रेड किया जाते थे करते थे। और बाद में जो है ये अपनी जो है ट्रेड को जो है ब्रिटिश को बेच के यहाँ से चले गए। लेकिन यहाँ पर जो है फैक्ट्री जो थी यहाँ पर हुगली में बनाई इन्होंने ब्रिटिश ने, ए फैक्ट्री इन हुगली वॉज एस्टेब्लिश्ड। और यहाँ पर जो हुगली में जो है एक फैक्ट्री बनाई ब्रिटिश ने, कौन कौन सी शहरों में, कुछ विलेजेस थे जिसका नाम था सुतांती, गोविंदपुर एंड कालीकत्ता। और बाद में यही तीनों विलेज जो है कोलकाता बनते हैं 1698 में जो है। तो ये विलेज जो है इन्होंने जो है परचेज कर लिए थे बंगाल के नवाब से, और यहाँ पर जो है अपनी फैक्ट्री बनाई और यहीं पर जो है किला बनाने के काम भी किए। तो फोर्ट विलियम जो है इन्होंने ईस्ट में बनाया, तो एक एस्टेब्लिश किया इन्होंने किला कहाँ पर, ईस्ट में भी कहाँ कहाँ किले जो है वो एस्टेब्लिश किए ब्रिटिश ने, हम देखते रहे। देख लीजिए अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है, पहला किला जो है साउथ में फोर्ट जॉर्ज के नाम से बनाया गया, फिर फोर्ट बॉम्बे एस्टेब्लिश किया गया वेस्ट में, और यहीं पर ईस्ट में फोर्ट विलियम के नाम से किला बनाया गया जो कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया। और इसे ये वेयर हाउस कहा करते थे कि हम फैक्ट्री का सामान इसमें रख रहे हैं। और बाद में हम सारे जानते हैं कि क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट बात देखेंगे, जो उस टाइम के मुगल एम्परर थे 1600 में, 1707 में जो है डेथ होती है किसकी, मुगल एम्परर की जो है वो डेथ होती है। कब होती है, 1717 में जो है औरंगजेब मुगल एम्परर की जो है वो डेथ हो जाती है। यहाँ पर फिर उसके बाद फ्रेंच भी आते हैं 1664 में, और उसके बाद जो है सूरत में पहली फैक्ट्री बनाते हैं। फ्रेंच के गवर्नर जो है फ्रांसिस मार्टिन जो होते हैं वो शेर सासूरी पे जो सॉरी शेर खान पे जो है वो अटैक करते हैं, और उससे उनसे जो है पोडुचेरी विलेज जो है वो ले लेते हैं। तो ये जो है हम अगले वीडियो में है जो है डेनिश के बारे में और जो है फ्रेंच के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे आते हैं। तो हु अमोंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट यूरोपियन केम टू इंडिया, पहले यूरोपियन कौन थे जो इंडिया आए भारत आए, तो कौन है वो, पोर्टुगीज है। अगला क्वेश्चन, हु अमोंग द फॉलोइंग डिस्कवर द कैप रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया, कैप रूट यूरोप से इंडिया जो है किसने डिस्कवर किया, वास्को डा गामा ने जो है वो डिस्कवर किया कैप रूट कहाँ से, यूरोप से जो है वो अमेरिका 1498 में मई के महीने में जो है वो भारत आते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे पास है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग नेविगेटर हेल्प्ड वास्को डा गामा टू फाइंड हिज वे फ्रॉम अफ्रीका टू इंडिया, तो किस ने जो है वो कौन से वो नेविगेटर थे जिसने वास्को डा गामा की हेल्प की, वो थे अहमद इब्ने मजीद जो कि ओटोमन एम्पायर के थे। तो इन्होंने जो है वो वास्को डा गामा की हेल्प की कि वो भारत का रास्ता खोजने में। और उनके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग पोर्टुगीज गवर्नर इन इंडिया हु इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ इंपेरियलिज्म, पॉलिसी ऑफ इंपेरियलिज्म जो है किसने जो है वो स्टार्ट की, अल्फेंसो डी अल्बुक्यूर्की ने स्टार्ट किया और इन्होंने ही गोवा को कैप्चर किया। इंपेरियलिज्म क्या होता है, जब एक द प्रोसेस ऑफ सब्जुगेटिंग ऑफ वन कंट्री अवर अनदर, उसे हम इंपेरियलिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर याद रहे नाम अल्फेंसो डी एल्बुक्यूर की, जिनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया है। चलिए आगे,
which of the following Portuguese governor in India who captured Goa from the ruler of Vijayapur? तो वो कौन से थे? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो थे पहले गवर्नर थे जिन्होंने जो है गोवा को कैप्चर किया फ्रॉम विजयपुर के रूल्स विजयपुर से। ठीक है, तो अब याद रहे आपको। हाँ, अभी मैंने पहले में अल्फेंसो के बारे में कहा, उन्होंने कैप्चर नहीं किया था। वो किसने कैप्चर किया था? वो किया था हमारे पास फ्रांसिस्को अल्मेडा ने, जो पहले गवर्नर थे। ठीक है, अगला जो है उन्होंने जो है सिर्फ नुनु जो, चलिए वो अगर डिटेल में पढ़ लिया ऑलरेडी, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं। तो इन विच प्लेस द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज बिल्ट? तो पहली फैक्ट्री कहाँ पर बनाई गई, किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो वो कहाँ पर बनाई गई? 1613 में जो है सूरत में बनाई गई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु अमॉन्ग द फ्लोइंग यूरोपियन फोर्सेज टू सेल ऑल दियर सेटलमेंट इन इंडिया टू ब्रिटिश? इनके बारे में हमें अभी अगले वीडियो में पढ़ना है। मैंने एक आइडिया दे दिया, वो डेंस थे, डेनिश नहीं, डेंस थे। डेंस कौन से होते हैं? ये वो लोग थे जो डेनमार्क के रहने वाले थे, जिन्हें डेनिश भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये 1845 में जो है भारत से चले जाते हैं और अपनी सारी की सारी चीज़ें जो है ब्रिटिश को बेच के चले जाते हैं, जो भी इनके ट्रेड थे। ये ट्रेड जो है वो टी में कर रहे थे और चाइना के साथ ट्रेड किया करते थे। अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई तो आप वीडियो को जो है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम देख रहे हैं होम अकेडमी यूट्यूब चैनल, और आप हमारे फेसबुक पेज पे भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं हमें, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो का बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को जो है हमने कुछ डिटेल में पढ़ लिया। अगर आप चाहते हैं शॉर्टकट पढ़ना तो वैसे भी पढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं डायरेक्टली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है डिस्कस करें इंडियन हिस्ट्री पे, तो वो भी हमारे पास एक सेट बना लिया हमने 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, तो फिर हम उसी से जो है कंप्लीट करेंगे। तो होपफुली जो ये वीडियो है आपके लिए यूजफुल होगी, और इस वीडियो में से श्योर है कि आपके क्वेश्चन जो है वो आपके क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में देखे जाएंगे। सो आई विल रियली अप्रिशिएट यू इफ यू विल सब्सक्राइब द होम अकेडमी यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन फेसबुक एंड अदर इंस्टाग्राम पेजेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।